गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर यानी कि 9 मार्च 2019 के करंट अफेयर हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, देश में संक्रामक रोग एड्स की रोकथाम में मिली सफलता को देखते हुए एड्स नियंत्रण कार्यक्रम को किस वर्ष तक जारी रखने के लिए 6,434 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। तो ये इस कार्यक्रम को जारी रखा जाएगा वर्ष 2020 तक, यानी कि इस क्वेश्चन का ए जो ऑप्शन होगा हमारा वो होगा बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसमें एड्स की बात आई है तो एड्स की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। एक तो आपके लिए एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, दूसरा एड्स होता किस वजह से है, एड्स होता है HIV वायरस से, ह्यूमन इम्यूनो वायरस की वजह से होता है आपका। और दूसरा, एड्स डे कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को, एड्स डे मनाया जाता है भारत में और पूरी दुनिया में भी, विश्व एड्स दिवस है 1 दिसंबर को आपका। अच्छा, दूसरी बात, एड्स दुनिया में वर्तमान में सबसे खतरनाक बीमारी है और अगर ये हो जाए तो इसका मतलब है फाइनल स्टेज तक तो मौत ही है, लास्ट स्टेज में पता लगे तो, फर्स्ट स्टेज में तो इसका हो सकता है इलाज भी। और जब एड्स किसी को होता है स्टार्टिंग में तो उसके लिए जो एक ड्रग्स दिया जाता है उसको कहते हैं AZT, एजिडोथाइमिन ड्रग्स, ये याद रखिएगा। और एड्स के टेस्ट को कहा जाता है ELISA टेस्ट, ठीक है, ELISA, ELISA टेस्ट, ठीक है, एंजाइम लिंक्ड सॉर्बेंट एसेज टेस्ट की भी फुल फॉर्म होती है ये, इतना हमें याद रखना है इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा युवाओं को निजी उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहन हेतु युवा श्री अर्पण योजना आरंभ की है। तो अभी हाल ही में युवा श्री अर्पण योजना जो शुरू की है वो की है पश्चिम बंगाल ने, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन जो होगा हमारा वो सही है। ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस योजना को शुरू किया है और इस योजना के तहत राज्य के 50,000 युवाओं को सरकार की ओर से निजी उद्यम यानी कि खुद का पर्सनल बिजनेस शुरू करने के लिए 1,00,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी। ये लिख रखा है 50,000 यूथ विल रिसीव फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 1,00,000 फॉर सेटिंग अप एन एंटरप्राइज। अच्छा, बात आई है पश्चिम बंगाल की, तो ये मैप में देखिएगा पश्चिम बंगाल, मुख्यमंत्री तो ममता बनर्जी हो ही गई, राजधानी है कोलकाता। अच्छा, कोलकाता से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कोलकाता किस नदी के किनारे है, तो कोलकाता पड़ता है हुगली नदी के किनारे। यहाँ के राज्यपाल है केसरीनाथ त्रिपाठी। पश्चिम बंगाल में भारत में सर्वाधिक चावल होते हैं याद रखिएगा, और भारत की सबसे ज़्यादा जूट भी यहीं पर होती है, सुनहरा रेशा जिसे बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कैबिनेट ने हाल ही में किस राज्य में कीरूपन बिजली परियोजना में निवेश को मंजूरी दी है। तो ये कीरूपन बिजली योजना की निवेश को मंजूरी दी है J&K में, यानी कि इस क्वेश्चन का बी जो ऑप्शन होगा हमारा वो सही होगा। जम्मू और कश्मीर के अंदर मेचर्स चिनाव वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कीरूपन बिजली परियोजना के निर्माण के लिए निवेश की मंजूरी दी है, और ये पनबिजली योजना जो है ये 624 मेगावाट की होगी टोटल। अच्छा, बात है J&K की, तो ये मैप में देखिएगा जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और जम्मू दोनों ही हैं, शीतकालीन राजधानी जम्मू है, ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है। श्रीनगर किस नदी के किनारे पड़ता है, श्रीनगर है झेलम नदी के किनारे। यहाँ पर वर्तमान में राष्ट्रपति शासन लागू है 20 दिसंबर से, ये भी याद रखिएगा 20 दिसंबर 2018 से यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू है, उससे पहले यहाँ पे राज्यपाल शासन लागू था और यहाँ के राज्यपाल है सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत ने 10 साल की अवधि के लिए भारतीय नौसेना के लिए परमाणु क्षमता से संपन्न हमलावर पनडुब्बी पट्टे पर लेने के लिए किस देश के साथ $3 अरब का समझौता किया है। तो ये किया है अभी हाल ही में परमाणु पनडुब्बी के लिए रशिया के साथ, यानी कि इस क्वेश्चन का सी जो ऑप्शन होगा हमारा वो होगा सही। 10 साल के लिए लिया है हमलावर पनडुब्बी के लिए और ये जो समझौता है $3 अरब का है। बात करें रूस की, तो ये मैप में देखिएगा आप, रूस दुनिया में सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, यहाँ की राजधानी है मॉस्को और यहाँ के जो राष्ट्रपति है वो व्लादिमीर पुतिन है, करेंसी जो है यहाँ की है रूबल। अच्छा, कल ही के वीडियो में मैंने आपको रशिया का एक क्वेश्चन बताया था कि यही वो देश है या इस देश की संसद ने सरकार या राष्ट्रपति का अपमान करने के लिए 15 दिनों की जेल या 1.06 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है अगर कोई व्यक्ति सरकार या राष्ट्रपति का अपमान करता है। तो
इतना हमें याद रखना है इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उद्योगपति मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी, ये जो आपको फोटो में दिख रहे हैं यही है अनंत अंबानी, और ये काफ़ी चर्चा में रहे थे अपने वेट लूज के में, पहले ही ऐसे होते थे, इन्होंने 17-18 महीनों में ही इतना वेट कम कर लिया, इसलिए काफ़ी चर्चा में रहते ये, तो उन्होंने अनंत अंबानी को किस मंदिर समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है, तो अनंत अंबानी को अभी हाल ही में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर का समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी जो ऑप्शन होगा हमारा वो होगा बिल्कुल सही, ये जो आपको फोटो में दिख रहा है यही है बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर, और इस मंदिर का प्रबंधन और प्रशासन की जो ये समिति है उसको उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अनंत अंबानी को नियुक्त किया है। याद रखिएगा आप, जो ये मुकेश अंबानी है ये वर्तमान में भारत में सबसे ज़्यादा अमीर आदमी है और दुनिया में 13वें नंबर पे हैं ये। चलिए आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि दुनिया में पहले नंबर पे अमीर आदमी कौन है, मैंने आपको एक दो दिन पहले वीडियो में बताया था, आप मुझे बताइएगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर कौन है वर्तमान में। अच्छा, बात उत्तराखंड की आई है तो ये मैप में देखिएगा, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। अच्छा, जब भी देहरादून आए तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि यहाँ पर है जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, ये याद रखिएगा। और देहरादून जब भी आए तो एक और पार्क याद रहना चाहिए आपको, राजा जी नेशनल पार्क, देहरादून से ही याद रहना चाहिए आपको मंसूरी जो कि है पर्वतों की रानी या पहाड़ियों की रानी, याद रखिएगा आप लोग। उत्तराखंड की बात आए तो इसको फूलों की घाटी कहा जाता है, यहाँ के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुप्रीम कोर्ट ने 8 मार्च 2019 को अयोध्या मामले को आपसी बातचीत से सुलझाने के लिए मध्यस्थता को मंजूरी देते हुए कितने सदस्यीय पैनल का गठन किया है, तो ये किया है 3 सदस्यीय पैनल का गठन, यानी कि इस क्वेश्चन का ए जो ऑप्शन है हमारा वो सही है, अयोध्या मामले की आपसी बातचीत के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये 3 सदस्यीय पैनल गठित किया है, आपसी बातचीत से ही मामला सुधरेगा। अच्छा, बात है ये सुप्रीम कोर्ट की, तो भारत में वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट जो है उनके मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो उनका नाम है रंजन गोगोई, और वो किस नंबर के हैं ये बात मुझे आप कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, 44वें हैं, 45वें हैं, 46वें हैं या 47वें हैं, इन चार ऑप्शन में मुझे आप बताइएगा कि ए बी सी डी, आप मुझे कमेंट में ए बी सी डी लिख के बता सकते हो या इनकी नंबरिंग लिख के बता सकते हो। बात करें अयोध्या की तो भगवान राम से मंदिर संबंधित है, अयोध्या खुद सरयू नदी के किनारे पड़ता है आपका, ये इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में पड़ता है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ जो कि गोमती नदी के किनारे है, नवाबों का शहर भी बोलते हैं उसे। उत्तर प्रदेश के सीएम का नाम है योगी आदित्यनाथ और यहाँ के राज्यपाल का नाम है राम नाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के राज्यपाल के चंद्रशेखरन यानी कि कुमाराम राजशेखरन ने अपने 9 महीने के कार्यकाल के बाद 8 मार्च 2019 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो ये राज्यपाल थे मिजोरम के, यानी कि इस क्वेश्चन का बी जो ऑप्शन होगा हमारा वो सही है, और इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया, यही है राज्यपाल। अरे चाचा जी क्यों इस्तीफा दे दिया, बड़े मुश्किल से तो आपके ये टेढ़े मेढ़े नाम हम याद करते हैं, इतने में आप छोड़ के चले जाते हो, चलो इस्तीफा दे दिया। और अब जो है इसका अतिरिक्त प्रभार जो मिला है वो प्रोफेसर जगदीश मुखी को मिला है जो कि असम के राज्यपाल हैं आपके, तो याद रखिएगा मिजोरम के वर्तमान के राज्यपाल जो हो गए अब आपके प्रोफेसर जगदीश मुखी हो गए, और जगदीश मुखी वर्तमान में कहाँ पे, असम के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वित्त मंत्रालय के सार्वजनिक उपक्रमों और पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के तहत ना आने वाले कर्मचारियों की कितने लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी टैक्स फ्री कर दी है, तो ये 20 लाख रुपए तक का टैक्स फ्री कर दिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए जो ऑप्शन होगा हमारा वो होगा सही, 10 लाख रुपए से बढ़ा के 20 लाख रुपए कर दी है, ये सीमा पहले 10 लाख होती थी अब 20 लाख कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति की बैठक में बक्सर यानी कि बिहार के चौसा में 660 से 662 मेगावाट के कितने ताप विद्युत संयंत्रों की मंजूरी दी गई है, तो ये दो ही बनेंगे आपके 660 662 ताप विद्युत केंद्र, यानी कि इस क्वेश्चन का डी जो ऑप्शन होगा हमारा
वो सही है। और इस परियोजना की टोटल लागत होगी आपकी 10,439.09 करोड़ रुपए, 10,439.09 करोड़ रुपए इस परियोजना की पूरी लागत होगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये बात बिहार से है, तो बिहार की राजधानी पटना है, पटना गंगा नदी के किनारे है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और यहाँ के राज्यपाल हैं वो आपके हैं लालजी टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में ई धरती ऐप लॉन्च करने वाले केंद्रीय मंत्री का नाम बताइएगा। तो अभी हाल ही में ई धरती ऐप लॉन्च की है हमारे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन होगा हमारा सही। ये जो आपको फोटो में दिख रहे हैं यही है हमारे हरदीप पुरी जिन्होंने ई धरती ऐप लॉन्च की है। और इस ई धरती ऐप से संपत्ति का पट्टेदार नक्शा और संपत्ति का मूल विवरण देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये मंत्री कौन से डिपार्टमेंट के हैं, यह आवास और शहरी मामलों के मंत्री है, याद रखिएगा आवास और शहरी मामलों के मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन आईपीएल दो वीवो आईपीएल 2019 का आधिकारिक भागीदार बन गया है। तो वीवो आईपीएल 2019 का आधिकारिक भागीदार बना है टाटा मोटर्स, यानी कि उस क्वेश्चन का बी जो ऑप्शन है हमारा वो सही है। टाटा की एक नई गाड़ी लॉन्च हुई है एसयूवी हैरियर और उस की ही ऐड दी जाएगी इस पूरे वीवो आईपीएल में। कोई अगर बेस्ट बल्लेबाजी करता है तो हर स्ट्राइक रेट में हैरियर सुपर स्ट्राइकर पुरस्कार भी जीते जाएंगे, उसका नाम भी हैरियर से ही रखा गया है आपका, तो इतना याद रखना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसे यूएनडीपी द्वारा सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यूएनडीपी का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है पद्मा लक्ष्मी को, यानी कि इस क्वेश्चन का बी जो ऑप्शन है हमारा वो सही है। ये आपको फोटो में दिख रही है यही है पद्मा लक्ष्मी। अच्छा तुरंत माइंड में क्लिक कर रहा होगा कि यूएनडीपी क्या है आपका, तो यूएनडीपी की फुल फॉर्म देखते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। सबसे इंपॉर्टेंट तो इसकी फुल फॉर्म ही है और उसको यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोग्राम को हम हिंदी में क्या कहेंगे, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। और इसकी इसका काम क्या होता है, दुनिया भर में असमानता और भेदभाव के खिलाफ ये एक एजेंसी है जो लड़ाई करती है या समर्थन है, अभी दुनिया में भेदभाव कम करना और असमानता को कम करना इसका मेन मोटो है। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में आपका और इसकी स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1965 को, ठीक है, इतना हमें याद रखना है इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय एयरटेल में 5,000 करोड़ रुपए का निवेश कौन सा देश करेगा। तो एयरटेल में करेगा अभी 5,000 करोड़ का निवेश सिंगापुर, सिंगापुर की एक कंपनी है सिंगटेल, तो वो करेगी इसके अंदर 5,000 करोड़ रुपए का निवेश। अच्छा ये निवेश किस लिए हो रहा है, परियोजनाओं के लिए, ताकि कि भारत में अच्छे से इंटरनेट या इंटरनेट की क्रांति को बढ़ावा दिया जा सके, इस वजह से ये सारा आपका समझौता हुआ है या निवेश किया जा रहा है। बात करें सिंगापुर की तो ये मैप में देखिएगा आप सिंगापुर, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी ही है, सिंगापुर की करेंसी सिंगापुर डॉलर है, यहाँ के प्रधानमंत्री है ली हैसिन लोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस शहर में सीआरपीएफ के एक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। तो ये किया है जोधपुर में, यानी कि इस क्वेश्चन का बी जो ऑप्शन होगा हमारा वो सही होगा। अच्छा सीआरपीएफ की बात आई है तो सीआरपीएफ की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है, और इसकी अध्यक्षता हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह ही करते हैं। जोधपुर में हुआ है, जोधपुर पड़ता है राजस्थान में और ये राजस्थान की सन सिटी कहलाता है, याद रखिएगा। राजस्थान की राजधानी पिंक सिटी जयपुर है, यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है और राज्यपाल कल्याण सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने किस शहर में या केंद्र शासित प्रदेश में नवीनीकृत हथकरघा हाट का उद्घाटन किया है। तो हथकरघा हाट का उद्घाटन किया है जनपथ नई दिल्ली में, यानी कि इस क्वेश्चन का सी जो ऑप्शन है हमारा वो सही है। यही हमारे भारत की कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है और यहाँ के उपराज्यपाल अनिल बैजल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमजी रामचंद्रन के बाद किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की घोषणा की है। तो अभी हाल ही में चेन्नई सेंट्रल रेलवे का नाम बदल के घोषणा की गई है, चेन्नई के या तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमजी रामचंद्रन। ये जो रेलवे स्टेशन दिख रहा है आपको ये चेन्नई सेंट्रल है और अब इसका नाम होने वाला है एमजी रामचंद्रन रेलवे स्टेशन। ये है एमजी रामचंद्रन जो कि तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री थे। अच्छा वर्तमान में कौन है आपके
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, तो वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है इड्डापड्डी के पलानी स्वामी। यहाँ की राजधानी चेन्नई है। यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अजीत कुमार मोहंती को, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन होगा हमारा सही। ये आपके हैं अजीत कुमार मोहंती, अरे नहीं, भाभा परमाणु केंद्र का निदेशक नियुक्त किया गया है। अच्छा, बात आई है भाभा परमाणु केंद्र की, तो ये देखिएगा आप, यही है भाभा परमाणु केंद्र, इसे बार्क भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसके डायरेक्टर हैं के एन व्यास, यहाँ इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भाभा परमाणु केंद्र का कई बार हेडक्वार्टर बहुत बार पूछा एग्जाम में। इसका फाउंडर होमी जे भाभा ही थे और इसकी स्थापना हुई थी 3 जनवरी 1954 को, 54 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में काजा कल्लास को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये प्रधानमंत्री बनी है एस्टोनिया की, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन है हमारा सही। यही है आपकी काजा कलास, और इन्हें एस्टोनिया की पहली प्रधानमंत्री बनाया गया है महिला के रूप में। बात करें एस्टोनिया की, तो ये मैप में देखिएगा आप, एस्टोनिया, एस्टोनिया की कैपिटल है तल्लीन और यहाँ की करेंसी है यूरो। प्रधानमंत्री तो ये बनी गई है आपकी काजा कलास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, केन्याई एथलीट डैनियल रुदिशा का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये जो आपको दिख रहे हैं, यही है केन्याई एथलीट डैनियल रुदिशा। इन्होंने 1968 के मैक्सिको ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था आपका, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सौम्या स्वामीनाथन को WHO में मुख्य वैज्ञानिक के रूप में नियुक्त किया गया है। यही है सौम्या स्वामीनाथन, और इनको ही वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य वैज्ञानिक नियुक्त किया गया है। अच्छा, WHO की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल को हुई थी, 1948 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर है आपका, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भुवनेश्वर का बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा AASQ पुरस्कार जीता है। ये जो भुवनेश्वर का बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये हवाई सेवा की गुणवत्ता के लिए बेस्ट पुरस्कार जीता है इसने। बात करें हम लोग भुवनेश्वर, तो ये उड़ीसा की राजधानी है। यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं उनका नाम है नवीन पटनायक, जो कि बीजू जनता दल पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, और यहाँ के जो क्या कहते हैं राज्यपाल हैं उनका नाम आपका प्रोफेसर गणेशी लाल है। ओडिशा का जब भी जिक्र आया तो हम 2-3 क्वेश्चन शेयर किए हैं। एक तो चिल्का झील ओडिशा में पड़ती है, महानदी ओडिशा में है, ओडिशा का दुख जो आपकी है वो ब्रह्माणी नदी है। यहाँ पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप है, जिसका नाम बदल के कर दिया गया है, पहले अभी वर्तमान में है, और पहले इसका नाम विलर द्वीप हुआ करता था। इतना हमें याद रखना है इस क्वेश्चन से, और यही थे दोस्तों आज के करंट अफेयर, और इतने ही थे आपके आज के करंट अफेयर। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, और दोस्तों तक शेयर करना ना भूले वीडियो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।